दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। कहता है कि एक वृत्त का परिमाप, दोस्तों वृत्त का परिमाप यानी परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। उसके बाद में कहता है कि और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr2। संख्यात्मक रूप से बराबर कर देते हैं तो त्रिज्या यानी r का मान क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाई से पाई को काट देंगे, ठीक है जी। आर स्क्वायर से एक आर कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 2 और यहाँ पे बचेगा आर। यानी जब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर करते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान 2 मात्रक आता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 2 मात्रक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि यदि ए में दिया गया है 2.3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0 होता है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला √x² प्लस होता है y²। अब देखिए, x का मान यहाँ पे दिया गया है 2, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। y का मान यहाँ पे 3 दिया गया है और दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 9 में 4 को ऐड करेंगे तो √13 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु 2.3 की दूरी मूल बिंदु से √13 होगी। √13 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि 2 संख्याओं का LCF 15 है और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए, संख्याओं का गुणनफल का आसान फार्मूला HCF गुने LCM होता है। क्या होता है जी, HCF गुने LCM होता है, जिसे हिंदी में हम लोग लसा गुने मसा कहते हैं। देखिए, HCF यानी मसा का मान यहाँ पे 15 दिया गया है, LCM यानी लसा का मान यहाँ पे 90 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 15 में 9 से ना करते हैं तो 135 रहता है। 10 को हम यहाँ पे सेम टू सेम लिया कर बैठा देंगे तो इस प्रकार से 15 में 90 से गुणा करेंगे तो 1350 हो जाएगा। और 1350 ऑप्शन सी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 33 कहता है यदि 2θ = 60° हो तो sin θ का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले कहता है कि यदि 2θ = 60° हो, यदि केवल θ = 60 लिखेंगे तो 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, ये कटने के बाद 30 हो जाएगा। अब आपको sin θ यानी sin θ के बदले में 30° रख देंगे। अब आप ही बताइए sin में 30° का मान कितना होता है। दोस्तों, 1/2 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1/2। उसके बाद में कहता है आकृति PA और PB 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि यदि PA बराबर 8 सेमी है, कोण APB बराबर 60° है तो PB की लंबाई क्या हो जाएगी। आप सभी को एक चीज़ पढ़ाया जाता होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब, एक स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 8 सेमी दिया गया है तो जाहिर सी बात है दूसरे स्पर्श रेखा के लिए भी लंबाई 8 सेमी हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। तो जब भी 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं तब रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल 36 नंबर को देख लीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुजें में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन दोस्तों थेल्स महोदय का है। उसके बाद में कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180° होता है।
इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, 180 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 125 को हम लोग ऐसे करेंगे कि 5 × 5 × 5 तो 125 जाएगा, अनुपात 27 करेंगे तो 3 × 9 = 27, तो यहाँ पे 5 × 5 = 5 लिखना है, फिर यहाँ से 5 लिख देना है, 3 × 1 = 3 लिखना है, फिर से यहाँ पे 3 लिख देना है ना जी। तो 5 × 25 हो जाएगा और 3 × 9 हो जाएगा, यानी 25:9 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में अगला सवाल 39 कहता है कि कॉस थीटा बराबर 100 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेक थीटा का फार्मूला 1/cos θ होता है। अब क्या करेंगे, 1 के बदले में 1 लिखेंगे और कॉस बराबर क्या क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स दिया गया है, यानी 1/cos θ बराबर 1/x हो जाएगा। 1/x ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A में दिया गया 2.4, B में 0.6 तथा C में 4.-1 हो, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा। दोस्तों केंद्रक का निर्देशांक याद करना काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसके लिए एक्स का एक फार्मूला होता है, x1 + x2 + x3 / 3 होता है। अब देखिए x1 का मान हम लोग यहाँ से मिलेंगे जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है, x2 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, x3 का मान यहाँ पे 4 है दोस्तों तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि 4 और 2 = 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार से y वाला फार्मूला y1 + y2 + y3 / 2 हो जाएगा। y1 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है तो हम 4 लिखेंगे, y2 का मान 6 है और y3 का मान -1 है, 3 करेंगे। देखिए 6 और 4 कितने होते हैं जी, तो 6 और 4 = 10 होते हैं, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3/3 हो जाएगा, यानी 2.3 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और 2.3 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कहता है कि n पदों वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका 6th पद क्या हो जाएगा। जब इसका 6th पद ज्ञात करते हैं तो 6 × 12 = 13 होता है जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे दिया जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है आपसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, केवल स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, अथा क्वेश्चन का सही जवाब 9/25 हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 43 कहता है कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी तरीके से दूरी का जो फार्मूला होता है √(x2 − x1)² + y2 − y1)² इसी फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों x2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, x1 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में हमें चाहिए y2 का मान जो कि 3 है, y1 का मान -1 है तो -1 मिलकर +1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, और 3 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 × 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब 16 में 4 को ऐड करते हैं तो 20 हो जाता है। अब यहाँ पे 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 = 20 होगा, 2 का 1 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा केवल 5, अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 2√5 हो जाएगी। 2√5 ऑप्शन डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन 44 कहता है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर क्या हो जाएगा। जब भी एग्जाम पेपर में विविक्तर, विवेचक,
या प्रकृति के लिए पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा प्रत्येक स्थिति में आप सभी से डी का मान पूछा जाता है, जिसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अब यहाँ पे बी का मान की बात कीजिएगा तो पाँच दिया गया है, तो आपको यहाँ पे पाँच का स्क्वायर करना होगा, माइनस फोर गुने ए का मान। दोस्तों ए का मान दो रूट अंडर दो है तो दो रूट अंडर दो लिखेंगे। उसके बाद में सी का मान भी रूट अंडर दो है तो रूट अंडर दो लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि पाँच का स्क्वायर करेंगे, तो दोस्तों पाँच का स्क्वायर पच्चीस जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर दो में रूट अंडर दो से ना करेंगे तो दो हो जाएगा, दो में दो से ना करेंगे तो दो दूनी चार, और चार में चार से ना करेंगे तो सोलह हो जाएगा। यानी पच्चीस माइनस सोलह, पच्चीस में से सोलह को माइनस करते हैं तो नौ आता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नौ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए कि बिंदु 3.4 और माइनस 3.8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x का जो फार्मूला होता है जी, वो एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दो होता है। अब देखिए एक्स वन का मान यहाँ पर तीन है तो हम यहाँ पर तीन लिखेंगे, एक्स टू का मान माइनस तीन है तो आपको यहाँ पर माइनस तीन लिखना होगा, बटा दो कर लीजिए। तीन में से तीन घटेगा तो आपका जीरो बचेगा, और जीरो में दो से भाग लगाते हैं तो जीरो ही आता है। उसके बाद में वाई बराबर जो फार्मूला होता है जी, वो होता है वाई वन प्लस वाई टू बटा दो होता है। देखिए वाई वन के मान की बात करें तो चार है तो हम यहाँ पे चार लिखेंगे, वाई टू का मान आठ है तो आठ लिखेंगे, बटा दो कर देंगे। अब आठ चार होते हैं बारह, बारह में दो से भाग लगाएंगे तो प्राप्त संख्या छः हो जाएगा। तो पहले वाला का आंसर जीरो आया है, दूसरे वाला का छः, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 0.6 होगा, और 0.6 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ए को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है तुर्की और रूस के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया है यूनान और पोलैंड के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया है तुर्की और हंगरी के बीच, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है पोलैंड और हंगरी के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दो को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दो कहता है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। आप सभी को बता दें कि सन 1829 ईस्वी की बात है जब एड्रियानोपल की संधि हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, 1829। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन तीन कहता है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। आप सभी को बता दें कि कार्बोनरी संगठन के जो संस्थापक थे वो मेजनी को माना जाता है। इन्हों के द्वारा ही 1810 ईस्वी की बात है जब कार्बोनरी संगठन की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन चार कहता है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि यूनान जो था ना, ये तुर्की देश का उपनिवेश था, यानी यूनान पर तुर्की देश का कब्जा था। लेकिन हिंद चीन में हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित होकर तमाम यूनानियों में भी स्वतंत्रता की भावनाओं का उदय हुआ, और यूनान में रहने वाले तमाम नागरिकों में स्वतंत्र होने की भावना जाग उठी। उसके बाद में होना क्या था, तमाम यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ बहुत ही बड़ी जंग छेड़ दी, बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जिसमें काफ़ी लोग तो मारे ही गए, लेकिन यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सन 1832 ईस्वी में तुर्की के द्वारा घोषित करना पड़ा। इस प्रकार से यूनान को सन 1832 ईस्वी की बात है जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन चार का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1832 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन पाँच हमारा कहता है चैटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैटिस्ट आंदोलन के बारे में, तो याद रखिएगा चैटिस्ट जो आंदोलन है ये इंग्लैंड में हुआ था, वहीं इंग्लैंड जो हमारे देश को लगभग 200 वर्ष से ज़्यादा गुलाम बनाया था। तो
यहीं पे सबसे पहले चैटिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो गई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया है 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। आप सभी को बता दें कि सन 1870 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी जो सेडान में हुआ था। इस युद्ध को सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को बता दें कि यही 1870 है जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि भी हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पे एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पे मैंने पूछे जाते हैं कि इटली का एकीकरण कब हो गया था। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1870 ईस्वी में, उसी के एक वर्ष बाद 1871 ईस्वी की बात है जब इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि हिटलर कहाँ का शासक था। तो याद रखिएगा हिटलर का जन्म इटली में हुआ था और ये जर्मनी का चांसलर बन गया था। उसके बाद मेजनी की बात करें तो मेजनी के द्वारा सन 1831 ईस्वी की बात है जब जर्मन राष्ट्रवादी जर्मनी में यंग यूरोप या यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कहता है कि उसमें 9 में कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। बहुत सारे बुक में इसका आंसर क्रांतिकारियों, तो कहीं पे विद्वानों, तो कहीं पे पादरी एवं सामंतों की दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। हालांकि हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था का नाम है। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 10 कहता है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जर्मन राइन राज का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों आप सभी को बता दें गैरिबाल्डी ना ही एक सिपाही था, ना ही खेती गृहस्थी में काम करने वाला किसान था, ना ही जमींदार था, लेकिन गैरिबाल्डी का एक काम था वो तमाम नाविकों को, सभी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह में नाव से ले जाने का काम किया करता था। यही कारण है कि गैरिबाल्डी का पेशा नाविक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो दोस्तों यह एक नाविक था। उसके बाद में कहता है काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने फ्रांस प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं, यदि आप उसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 13 कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था। यदि आप हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जो जब भी इटली या जर्मनी के एकीकरण की बात की जाती थी तो हमेशा उसमें जाकर अड़चन डाल देता था, हमेशा उसमें जाकर बाधा बन जाता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, ऑस्ट्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मेजनी का जो संबंध है ये कार्बोनरी संगठन से है। तो डाइट, फिलिप हिटारिया और लाल सेना बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेजनी का जो संबंध है ये कार्बोनरी नामक संगठन से है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आप सभी को बता दें कि फ्रांस में कौन ऐसी शासन वंश की पुनर्स्थापना है जो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो ये होगा बूर्बो वंश। यहाँ पे क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, बूर्बो वंश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इटली एवं जर्मनी जो है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी को बता दें कि हम लोग जो महादेश के अंतर्गत आते हैं वो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है वो एशिया महादेश है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में कहता है सिरान का युद्ध किनके बीच हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने जाना कि फ्रांस एवं प्रशिया के बीच में होने वाला युद्ध सिरान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सन 1870 ईस्वी में सिरान में ही लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी वह कौन सा देश था जो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रिया एक ऐसा राष्ट्र था जो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था। उसके बाद में कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। दोस्तों पोलैंड में हो रहे विद्रोह को रशिया यानी रूस ने कुचल दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अभी अभी इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सन 1870 ईस्वी की बात है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसे सेडेवा या सिडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो सिडान नामक जगह पर लड़ा गया था। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में केवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, केवल इसी चैप्टर से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन किए हैं। आगे आने वाली पाठ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पे हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इस वीडियो को यदि आप पूरे शुरू से अंत तक देखते हैं ना, तो जितने भी हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा और आप 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।